नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप हैं बिहारी न्यूज के साथ। और आज हम बात करेंगे नालंदा से कौन बनेगा सांसद। कभी पटना जिले का सब डिवीजन रहा नालंदा, आज 20 प्रखंडों का जिला है। पहले जिले के हरनौत व चंडी विधानसभा क्षेत्र बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के हिस्से में थे। परिसीमन के बाद चंडी विधानसभा क्षेत्र विलोपित होकर पूरा जिला नालंदा लोकसभा क्षेत्र के दायरे में आ गया। यहाँ 1971 के चुनाव तक कांग्रेस का कब्जा था। केंद्र में मंत्री और बाद में राज्यपाल बने सिद्धेश्वर प्रसाद कांग्रेस के आखिरी सांसद थे। इसके बाद स्थिति बदली। 1996 से आज तक समता पार्टी या जदयू का कब्जा है। पहले जॉर्ज फर्नांडिस और बाद में नीतीश कुमार के नाम से ही वोटों का ध्रुवीकरण होता आ रहा है। वर्तमान में जदयू के कौशलेंद्र कुमार यहाँ से सांसद है। जिले की पहचान प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से है। नालंदा लोकसभा पर वर्तमान में जनता दल का कब्जा है। नालंदा सीट में कुल 60 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। बिहार शरीफ, नालंदा, अस्थवा, हरनौत, हिलसा, इस्लामपुर और राजगीर। सीएम नीतीश कुमार का गृह जिला होने के कारण यह सीट काफी हॉट बन जाता है। हालांकि बाद में बिहार के सीएम बनने पर उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। 2006 उपचुनाव में उनके जगह पूर्व कांग्रेसी सांसद रामस्वरूप महतो निर्वाचित हुए। यह सीट शुरू से ही कांग्रेस का फेवरेट रहा है। अब तक इस सीट पर 6 दफा कांग्रेसियों का कब्जा रहा है, जबकि एक बार लोक दल के झोली में यह सीट गई है। 5 बार इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड ने विजयी झंडा गाड़ा है तथा 2 बार समता पार्टी के कब्जे में यह सीट रही है। गौर करने वाली बात यह है कि अब तक इस सीट पर बिहार की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी राजद जीत से महरूम रही है। इस लोकसभा सीट पर 3 ऐसे दिग्गज नेता हुए जो 3 बार यहाँ का प्रतिनिधित्व तो संसद में कर चुके हैं। कांग्रेस के सिद्धेश्वर प्रसाद 1962, 67 तथा 1971 में विजयी हुए। हालांकि यहाँ से कम्युनिस्टों ने भी अपना कब्जा जमाया है। बाम नेता विजय यादव 1980 तथा कांग्रेस के लहर में 84 में भी अपनी सीट बचाने में कामयाब हो गए थे। नीतीश कुमार के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस को नालंदा की जनता ने लगातार 3 बार संसद भेज चुकी है। ये वो साल था 1996-1998 समता पार्टी के झंडा तले, जबकि 1999 में जनता दल यूनाइटेड के सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में नालंदा की जनता जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कौशलेंद्र प्रसाद को दिल्ली भेजती रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर में नीतीश कुमार की लाज इस सीट ने बजाई थी। हालांकि लोजपा उम्मीदवार सत्यनारायण शर्मा लगभग 9000 वोटों के अंतर से हार गए थे। इस सीट पर कांग्रेस ने 6 बार अपना परचम लहराया है। जरा इस सीट के बारे में डिटेल में जानते हैं। पहले सांसद कांग्रेस के कैलाशपति सिन्हा लगातार 1952 तथा 1957 में विजयी। 3 से अधिक बार जीतने वाले सांसद पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। सिद्धेश्वर प्रसाद कांग्रेस 1962, 1967 तथा 1971 तक, फिलहाल 1999 से लेकर 2014 तक लोकसभा चुनाव में जेडीयू जीत हासिल करती रही है। इस बीच 2006 में मध्यावधि चुनाव भी हुए, जिसमें जेडीयू ने ही परचम लहराया। इस कारण इस क्षेत्र का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुरक्षित दुर्ग कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस सीट पर मुख्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते काफी वर्चस्व है और इस सीट पर उनका प्रभाव हमेशा देखा भी गया है। जैसे बार बार ज्यादातर उनका चुनाव जीतना उनके पार्टी के तरफ से, इसलिए इस सीट को उनका दुर्ग माना जाता है। अब देखते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव में कौन होता है यहाँ से विजयी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।